नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। 48 के हुए गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जीवन के 49वें वर्ष में किए प्रवेश, उनके लिए जन्मदिन भी रोज जैसा ही एक दिन। नाथ पंथ में दीक्षित योगी नहीं रखते पूर्व जन्म से नाता। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 48 साल के हो गए और अपने जीवन के 49वें वर्ष में प्रवेश किए। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश अब के उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गाँव में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह विष्ट वन विभाग में रेंजर थे। माता सावित्री देवी सामान्य गृहिणी थी। हालांकि वह नाथ पंथ में दीक्षित हैं। माना जाता है कि दीक्षा के बाद सन्यासी का पूर्व जन्म होता है, लिहाजा उनका पहले के जन्म से कोई नाता नहीं होता। ऐसे में योगी जी खुद अपना जन्मदिन नहीं मनाते, अलबत्ता उनके लाखों प्रशंसक उन्हें शुभकामनाएं जरूर देते हैं, पर उनके लिए यह कोई खास दिन नहीं रहा। इस दिन भी उनकी दिनचर्या रूटीन की ही रहा करती है, बतौर सांसद और अब मुख्यमंत्री के रूप में भी। इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि यूपी के मेहनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। राज्य के लोगों के जीवन में बड़ा सुधार आया है। भगवान उन्हें लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन दें। उधर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को याद करते हुए लिखा है कि गगन मंडल में उंधा कूबा तहां अमृत का बासा, सगुरा हुई सु भरी भरी पीवे निगुरा जाय पियासा। गोरख बानी स्यु अवतारी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी के चरणों में सादर प्रणाम। महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी अपनी कृपा से समस्त संसार को अभिसंचित करें, सबका कल्याण करें। मालूम हो कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर स्थित गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यूपी के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। मसलन जब वह पहली बार सांसद बने तो सबसे कम उम्र के सांसद थे। अपने समय में वह देश के उन चुनिंदा सांसदों में थे जो सर्वाधिक सत्र अटेंड करते थे। फेम इंडिया के हालिया सर्वे में उनको प्रधानमंत्री के बाद देश के सर्वाधिक लोकप्रिय लोगों में रखा गया है। इसके पहले भी इंडिया टुडे ने अपने सर्वे में उनको देश के सबसे रसूखदार लोगों में शामिल किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी अगुवाई में लगभग हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बने हैं। दरअसल वह विजनरी हैं। अपने विजन को अमली जामा पहनाने के लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं। उनके डिक्शनरी में नाम का शब्द है ही नहीं, लिहाजा वह हर चुनौती को अवसर मानते हैं और चुनौती मिलते ही उसे अवसर में बदलने के लिए पूरी ताकत से जी जान से जुट जाते हैं। कोरोना का अभूतपूर्व संकट भी इसका अपवाद नहीं रहा, उनके लिए राजधर्म सर्वोपरि रहा है। हाल ही में अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने के बजाय प्रदेश के 23 करोड़ जनता के व्यापक हित को सर्वोपरि रखा। वह मिथक तोड़ने में यकीन रखते हैं। बार बार नोएडा जाकर उन्होंने इसे साबित भी किया। इसी तरह जिस अयोध्या और राम मंदिर के नाम से कई मुख्यमंत्रियों को करंट लगता था, उससे उन्होंने अपने लगाव को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी रखा। अयोध्या का नियमित दौरा इसका सबूत है। प्रकृति के प्रति उनका अनुराग अनुपम है, यह उनको अपनी विरासत और परिवेश से मिला है। इसकी शायद प्राकृतिक रूप से बेहद संपन्न देवभूमि उत्तराखंड से उनका ताल्लुक और वन विभाग में नौकरी रेंजर करने वाले स्वर्गीय पिता हैं। इस प्रेम का विस्तार बच्चों, जानवरों और गायों तक है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद
उनके निर्देश एवं निजी रुचि से हर साल पौधारोपण का रिकॉर्ड बना। गोरखनाथ मंदिर परिसर की हरियाली में और इजाफा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने 1998 से 2017 तक गोरखपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया। वह ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी और योग गुरु के योग्यतम गुरु हैं।